हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन हमें कहता है, हमें एक ट्रायंगल दिया गया है पी क्यू आर, और पी क्यू आर में हमें पी क्यू दिया गया है, उसके बाद पी क्यू 12 सेंटीमीटर है, पी आर भी दिया गया है, पी आर है 13 सेंटीमीटर। तो हमें क्वेश्चन कहता है कि आप टेन पी माइनस कॉट आर का वैल्यू निकालिए। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें पता ही है टेन पी पहले निकालना है, उसके बाद हमें कॉट आर निकालना है। लेकिन सबसे पहले हमें टेन पी, हमें पी क्यू दिया गया है, पी आर दिया गया है, लेकिन क्यू आर नहीं दिया गया है। तो हमें पता है हमें यूज़ करना है पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करेंगे ट्रायंगल पी क्यू आर पर। तो क्या आता है हाइपोटन्यूज, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं, हाइपोटन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस आल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो भाइयों, यहाँ पर परपेंडिकुलर है पी आर, देयरफॉर यानी यू नो हाईपॉट सॉरी हाइपोटन्यूज है पी आर, हाइपोटन्यूज का स्क्वायर। तो लिखा है हमने पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस आल्टीट्यूड स्क्वायर, या पी क्यू स्क्वायर हो गया वो। उसके बाद क्यू आर हमें पता नहीं है, वो क्यू आर स्क्वायर। तो पी आर का वैल्यू हमें पता है 13 सेंटीमीटर दिया है, तो हमने लिखा यहाँ पर 13 सेंटीमीटर। पी क्यू स्क्वायर भी दिया गया है 12 सेंटीमीटर, वो भी लिखा हमने 12 सेंटीमीटर। उसके बाद क्यू आर स्क्वायर हमें पता नहीं है, वो हमें ऐसे ही लिखा। तो 13 का स्क्वायर जब करेंगे वो आता है 169, और दैट इज़ इक्वल 12 का स्क्वायर 144। ये स्क्वायर्स हमें याद रख रहे होते हैं प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो क्यू आर स्क्वायर किसके बराबर आएगा, क्यू आर स्क्वायर आएगा, क्यू आर का स्क्वायर जो आएगा वो 169, उससे माइनस होगा 144। जब हम माइनस करेंगे तो वो आएगा 25। वही आया हमें क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल 25 सेंटीमीटर, सॉरी ये हाँ 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्क्वायर ये जो स्क्वायर सॉरी यहाँ पर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं है। तो क्यू आर किसके बराबर आएगा, क्यू आर स्क्वायर था 25, क्यू आर किसके बराबर आएगा, एक बार इसको मैं रब कर देता हूँ। तो भाइयों क्यू आर आए, क्यू आर स्क्वायर 25 के बराबर है, क्यू आर किसके बराबर आएगा, अंडर रूट ऑफ 25। हमें पता ही है अंडर रूट ऑफ 25 किसके बराबर होता है, 5 के बराबर। तो हमें वैल्यू आ गया अब क्यू आर भी, क्यू आर है 5 सेंटीमीटर। अब पी क्यू 12 सेंटीमीटर, क्यू आर 5 सेंटीमीटर, पी आर 5 सेंटीमीटर। एक मिनट पहले मैं इसको रब कर देता हूँ। तो क्यू आर का वैल्यू भी हमें आ गया 5 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है टेन पी माइनस कॉट आर। भाई आपको मैंने पहले ही कहा है कि एक आसान सा तरीका आपको बताया मैंने साइन कॉस टेन का वैल्यू निकालने के लिए, उसके लिए आपको याद रखना है पंडित भाई पंडित हरि हरि भट्ट। यहाँ पर पी परपेंडिकुलर बी बेस, पी परपेंडिकुलर एच हाइपोटेन्यूज। तो जो ये पहला है पंडित, ये साइन के बारे में साइन है, इसके बाद बेस बाय हाइपोटेन्यूज ये कॉस है, इसके बाद फिर परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस ये क्या है, साइन कॉस टेन। तो यहाँ पर हमें निकालना है टेन पी, यानी कि पी एंगल को हमके हमको मान के चलना होगा, यानी कि ये पी। तो पी को हम लेके चलेंगे यहाँ पर, हमें परपेंडिकुलर कौन सा आएगा, क्यू आर आएगा, सिंपली क्यू आर, तो वो लिखा यहाँ पर क्यू आर। और बेस आएगी जहाँ पर ये परपेंडिकुलर पड़ेगा आएगा, यानी कि पी क्यू, वही लिखा है पी क्यू। या इसको आप इस तरह भी याद रख सकते हैं, साइड टेन पी होता है बराबर साइड अपोजिट टू द एंगल, एंगल जो दिया यहाँ पर पी है तो साइड अपोजिट टू पी डिवाइडेड बाई साइड एडजेसेंट टू पी, यानी कि पी के अपोजिट में कौन सा एंगल है, ये एंगल पी है, इसके अपोजिट में कौन सा एंगल है।
कौन सा साइड, इस एंगल के अपोजिट में कौन सा साइड है, ऑब्वियसली क्यू आर है तो क्यू आर लिखा। और साइड एडजेसेंट टू एंगल पी, एंगल पी के एडजेसेंट में साथ में कौन सा साइड है, वो पी है ऑब्वियसली, तो वो हमें लिखा। क्यू आर का वैल्यू हमें पता है 5 सेंटीमीटर, और साइड एडजेसेंट एंगल पी क्यू, पी क्यू का वैल्यू भी हमको पता है, दिया गया है 12 सेंटीमीटर, यानी 5 बाय 12 वो आ गया। इसके बाद हमें निकालना है कॉट आर। तो हाँ जी, तो कॉट आर किसके बराबर होता है, जैसे मैंने बताया पंडित भाई पंडित हरी हरी भट्ट, आपको पता ही है कॉट आर जो है वो इनवर्स, कॉट जो है वो इनवर्स होता है टेन का। इसका मतलब अगर टेन परपेंडिकुलर बाई बेस है तो कॉट होगा बेस बाई परपेंडिकुलर। अब यहाँ पर हमें कहता है ये कॉट आर निकालो, यानी कि ये कॉट आर, कॉट आर का जो जब हम लेंगे तो बेस यहाँ पर कौन सी बनेगी, ओब्वियसली क्यू आर बनेगी, क्यू आर, और परपेंडिकुलर कौन बनेगा, पी क्यू, पी क्यू। या दूसरा तरीका साइड एडजेसेंट टू आर, इसमें इसके एडजेसेंट में साथ में जो साइड है आर के साथ में कौन सा साइड है, क्यू आर है। साइड अपोजिट टू आर, आर के अपोजिट में साइड है पी क्यू, तो इसका वैल्यू भी 5 बाई 12 आता है। सो अब हमें निकालना था कॉट टेन पी माइनस कॉट आर। टेन पी हमें दिया गया है, निकाला हमने 5 बाई 12, माइनस करना है कॉट आर, लेकिन कॉट आर भी हमें 5 बाई 12 ही निकला, 5 बाई 12। सो 5 बाई 12 माइनस 5 बाई 12 किसके बराबर होता है, वो 0 के बराबर होता है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर है 0। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, अगर साइन ए का वैल्यू है 3 बाई 4 तो आप कैलकुलेट कीजिए कॉस ए और टेन ए। हमने ये ट्रायंगल बनाया ए बी सी, इसमें हमें दिया गया है साइन ए है 3 बाई 4। आपको पता ही है, मैंने बताया आपको ये फार्मूला याद रखनी है, पंडित बाई पंडित हरी हरी भट्ट, एक आसान तरीका है याद रखने का। तो साइन ए दिया गया, यानी कि हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दिया गया है, लेकिन एंगल ए है तो यहाँ पर परपेंडिकुलर ऑब्वियसली ये बनेगा परपेंडिकुलर, देयरफॉर 3 का वैल्यू बी सी, साइन ए आता है बी सी डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज ए सी है ए सी, तो बी सी, लेकिन हमें दिया गया ये 3 बाई 4, इसका मतलब हुआ बी सी का वैल्यू 3 है और ए सी का वैल्यू 4 है, यानी कि बी सी इज़ ये 3 है और ए सी 4 है। अब हमें निकालना क्या है, ए बी का वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, हम यूज़ करेंगे हाइपोटेन्यूज, हम यूज़ करेंगे हाइपोटेन्यूज, ये सॉरी पाइथागोरस थ्योरम। तो बी सी हमें निकाला 3 और ए सी हमने निकाला 4। हमें पता ही है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होता है, बेस स्क्वायर प्लस आल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर स्क्वायर। दोस्तों हमें यहाँ पर हाइपोटेन्यूज निकाला 4, यानी कि 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू, बेस यहाँ पर है ए बी, ए बी का स्क्वायर प्लस आल्टीट्यूड है बी सी और बी सी स्क्वायर, यानी कि 4 स्क्वायर इज इक्वल टू, ए बी हमने निकालना है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, बी सी हमें निकाला 3 स्क्वायर। सो 4 स्क्वायर आता है 16, ये 3 स्क्वायर है, 3 स्क्वायर का वैल्यू है 3 × 3 = 9, ये प्लस है, अगर एक यहाँ लाएंगे तो ये माइनस बन जाएगा, किसके बराबर आएगा, ए बी स्क्वायर। 16 − 9 का वैल्यू कितना है, 16 − 9 = 7 इज इक्वल ए बी स्क्वायर, तो ए बी किसके बराबर होगा, ए बी होगा अंडर रूट 7 के बराबर।
तो अब हमें ए बी का वैल्यू भी आया क्या, अंडर रूट 7। और अब बहुत ही आसान है, देखिए अब हमें तीनों वैल्यू आ गए। अब हमें निकालना है कॉस ए और टेन ए। कैसे निकालेंगे, हमें फार्मूला पता है, ये 4 है, ये 3 है, ये हमें अंडर रूट 7 आया। तो हम यही करते हैं, पहले कॉस ए निकालते हैं। कॉस ए हमें पता ही है, पंडित भाई पंडित, पंडित भाई पंडित, हरि हरि भट। कॉस किसके बराबर होता है, बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। एंगल ए लेना है तो ये लेंगे, बेस सिंपली आएगी ए बी, यानी कि ए बी डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज है ए सी। ए बी का वैल्यू क्या है, ए बी का वैल्यू है अंडर रूट 7 डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज है 4। तो आ गया हमें कॉस ए का वैल्यू। इसके बाद निकालना है टेन ए का वैल्यू। टेन का वैल्यू भी कैसे निकालेंगे, टेन ए किसके बराबर, ये वाला परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। परपेंडिकुलर कौन सा है यहाँ पर, फिर भी फिर से हमने एंगल ए लेना है तो परपेंडिकुलर ऑब्वियसली बी सी आएगा। सो बीस बी सी डिवाइडेड बाई बेस, बेस जिस पर परपेंडिकुलर होता है उसको हम बेस कहते हैं, यानी कि यहाँ पर ए बी है। सो दोस्तों बी सी यहाँ पर किसके बराबर है, 3 हमने वैल्यू निकाला डिवाइड बाई ए बी, ए बी है अंडर रूट 7। दोस्तों 3 बाई अंडर रूट 7 आया 10 का वैल्यू। अगर हम इसको रैशनलाइज करेंगे तो रैशनलाइज नहीं कि इसको सिंपल करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 7 और नीचे भी अंडर रूट 7। ये आएगा 3 अंडर रूट 7 और नीचे आएगा अंडर रूट 7 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू आएगा 3 अंडर रूट 7 डिवाइड बाई 7। सो सिंपल।